मारते हैं, तो एक तरफ कुदरत की शरारते हैं, एक तरफ शहरों की बाहें हैं। मेरा एक दोस्त मुझसे पूछ रहा था कि तुम्हें कौन सा काम करने में खुशी मिलती है, या आप अपनी खुशी को कितने देर तक मेंटेन करके रख सकते हो। मुझे ऐसा लगता है ना यार, देखो जो था वो ठीक था, और जो बाकी बचा है वो बेहतर है, और जो आगे मिलेगा वो बेहतरीन होगा। तो ये मैंने कहीं पढ़ा था और मुझे लगता है बहुत सही भी है। तो अगर हम ज़्यादा सोचोगे ना तो कभी खुश नहीं रह सकते हो, यही मुझको भी लगता है। जैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ यार, मेरे पास यार किट लेंस से अच्छा यार कोई प्राइम लेंस होता तो कितना मज़ा आता। और कितनी बार तो मैं सोचता हूँ कि जब वो अच्छा लेंस आएगा ना मैं तभी वीडियो बनाऊँगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मेरे पास जो है मैं उससे ही शूट कर रहा हूँ। कहने का मतलब सिर्फ इतना, भी आपके पास जो है ना उसमें ही खुशी ढूंढो। दिल कहे अपने ख्वाब में लोग कहेंगे कुछ करता ये नहीं, दिल कहे चल लहरों में कहीं जाऊँ कहाँ मैं चाहता नहीं। मैं सोचता हूँ ना ज़िंदगी में एक दिन ऐसा आएगा जब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो दिन कभी आता है नहीं। सच में पता नहीं वो दिन आएगा भी या नहीं, लेकिन एक होप और एक उम्मीद तो है, बस वो उम्मीद झूठी ना हो। तो मेरे जिस दोस्त ने ये पूछा था कि ना भाई खुशी को कैसे ढूंढे, मतलब खुशियों को कैसे ढूंढे, मेंटल पीस जो होती है कैसे मिलेगी, भाई ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और अभी मैं खुद इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि मैं इसका आंसर आप लोगों को दे सकूँ, क्योंकि मैं खुद हर दिन में दो बार खुश होता हूँ और दो तीन बार दुखी होता हूँ। सबसे अच्छा है यार, मैंने कुछ दिन पहले प्रेमानंद महाराज जी थे, श्री प्रेमानंद महाराज जी, उनकी वीडियो देखी थी। वो बोल रहे थे कि अपने अंदर झांको और आप फोकस करो, एक जगह अच्छी जगह फोकस करो और मन लगाओ भक्ति में, तो आपको खुशी मिलेगी। तो कर सकते हो आप ये ट्राई, लेकिन सच में यार मुझे भी नहीं पता अभी हाउ टू फाइंड खुशी कहाँ मिलेगी। तो कमेंट में बताना। ओके बाय। कहने वाले कहते रहते तू न सुन, तुझको करना क्या है तू ही अब तो चुन।